दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। इस दुनिया में हमें फायदा पहुंचाने वाली कई चीजें मौजूद हैं, इसलिए हम उन्हें अपने पास ही रखना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही चीजें धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाने लगे, और जब हमें खतरे का अंदाजा होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी ही श्रापित चीजों के बारे में। लोगों का मानना है कि जो भी इस पेंटिंग को अपने घर में लगाता है उसके घर में या कहीं और आग लग जाती है। द सन नामक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक फायर फाइटर ने इस बात का खुलासा किया कि वह जिस भी घर में आग बुझाने जाते वहां उनको ये पेंटिंग पड़ी हुई मिलती थी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आग लगने से घर का सारा सामान जल जाता था, लेकिन इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं होता था, जिसके बाद इस पेंटिंग को श्रापित माना जाने लगा। 19 वर्ष के टूटन खमन के मकबरे को जब खोजा गया तो उसके कुछ ही समय बाद दो लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ऐसी मान्यता है कि उन पर फिरौन का श्राप लग गया था। यह श्राप तब लगता था जब कोई किसी राजा या रानी की कब्र को छेड़ता था। समय के साथ मौतों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये मौतें कब्र में मौजूद किसी प्रकार के बैक्टीरिया के कारण हुई, पर इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण ना मिलने के कारण इस मकबरे को श्रापित माना जाने लगा। साल 1849 में एक अमीर घर की लड़की अन्ना को एक छोटी जात वाले लड़के से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे, जिस कारण उसे बहुत ठेस पहुंची। इसलिए अन्ना ने यह फैसला किया कि वह जिंदगी भर शादी नहीं करेगी। बाद में उसका चुना हुआ शादी का जोड़ा किसी और लड़की को दे दिया गया, लेकिन जब ये जोड़ा उस लड़की ने पहना तो उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। यही नहीं, जिन लड़कियों ने इस जोड़े को पहना वह भी मौत का शिकार हो गई, जिसके बाद इस जोड़े को एक म्यूजियम में रख दिया गया। कहा जाता है कि ये हीरा जिन लोगों के पास गया उन्हें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कई लोगों को इस हीरे के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि इस हीरे के पीछे क्या रहस्य छिपा है ये अभी तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये हीरा किसी मंदिर की मूर्ति से चुराया गया है, तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि इस हीरे को फ्रांस के एक आदमी ने खरीदा था। वर्तमान में ये हीरा एक म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। जेम्स डीन की कार पोर्शे 550 स्पाइडर उनकी और उनके दोस्त की मौत का कारण बनी। साल 1955 में एलेक गिनिस नाम के एक्टर को इस कार में बैठने के बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और ठीक 7 दिनों बाद उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई और ये कार बुरी तरह से टूट गई। बाद में इस गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम को ट्रॉय मैकहेनरी और विलियम नामक व्यक्ति ने दो अलग अलग गाड़ियों में लगाया, लेकिन उन दोनों कारों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ जिसमें ट्रॉय मैकहेनरी की मौत हो गई। इसके बाद उन दोनों कारों को कैलिफोर्निया की ट्रैफिक कंट्रोल कंपनी ने खरीद कर अपने गैराज में रख लिया, लेकिन उसी रात गैराज में आग लग गई और उन दो गाड़ियों के अलावा सब कुछ जल गया। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।